नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। दोस्तों लेटेस्ट पावर पॉइंट यानी कि जो 2007 के बाद जो वर्जन आया है उसमें रिकॉर्डिंग का फंक्शन है, जहां पर आपकी पीपीटी स्लाइड रन करेगी या कोई भी एक्टिविटी होगी या आप बाहर के बैकग्राउंड या कोई भी काम कर रहे हैं उसकी वीडियो प्रॉपरली बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो वो कैसे करते हैं, कहाँ वो फंक्शन और कैसे हम उसका यूज करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सिंपल सा ये पीपीटी है हमारी, हम चाहते हैं इसमें रिकॉर्डिंग का जो भी है हम वर्क करें या स्लाइड रन करें, रिकॉर्डिंग होने लगे, कोई भी एक्टिविटी करें, बाहर से भी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि पीपीटी के बाहर से भी वो भी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए सिंपल सा जाना है आपको इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप माइक लगा सकते हैं, माइक का भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। सिंपल सा पहले आपको इस फंक्शन को ओपन कर लेना है। फंक्शन इस प्रकार से होगा, यहाँ पर सेटिंग, यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड यहाँ पर एरिया, अगर पर्टिकुलर किसी एरिया को आप रिकॉर्ड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इनको अभी क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पर पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। मैं सिंपल से पहले इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक, एंड यहाँ पर एरिया अगर आपको सिलेक्ट करना है तो एरिया पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ एरिया को, मुझे चाहिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी स्क्रीन का। ठीक है, अगर आप ड्रैग नहीं करें तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने ड्रैग कर दिया है। अब ड्रैग करने के बाद ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट रहना चाहिए, नहीं तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। और सब कुछ होने के बाद यहाँ रिकॉर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 देखिए ये रिकॉर्डिंग होने लगी। ठीक है, अब दोस्तों आप पावर पॉइंट के अंदर कोई काम कर रहे हैं सपोज दैट, तो वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर भारी कोई मैनुअली काम कर रहे हैं, जैसे नेट चला रहे हो, ठीक है, नेट आप यूज कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट दिखा रहे हो नेट पर, तो वो रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो वो बाहर की जो भी पावर पॉइंट के अलावा जो आप वर्क कर रहे हो, एप्लीकेशन, नेट चला रहे हो, जो भी कोई एक्सवाइजेड कर रहे हो वर्किंग, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा इसका ये है कि जब भी रिकॉर्डिंग ऑफ होगी तो पावर पॉइंट में वीडियो फाइल बन के इंसर्ट हो जाएगी आपके पेज में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जाते हैं बाहर और यहाँ पर इसको करते हैं यहाँ पर बंद। देखिए अगर आपको रोकना है कुछ समय के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको बंद करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो आपको बाहर भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऑफ करना चाहता हूँ, मैं स्टॉप के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद पावर पॉइंट ओपन होगा एंड पावर पॉइंट ओपन होने के बाद यहाँ पर वीडियो सेव हो जाएगी आपके पेजेस पे। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर कोई वीडियो का फोल्डर या नहीं बनता, ये पीपीटी की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, पीपीटी का सॉफ्टवेयर है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही आप प्ले करेंगे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर प्ले हो जाएंगी। अब जब आप स्लाइड रन करेंगे तब भी ये रिकॉर्डिंग देखिए होने लगी। ठीक है, अब दोस्तों आप पावर पॉइंट के अंदर कोई काम कर रहे हैं सपोज दैट, तो वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर भारी कोई मैनुअली काम कर रहे हैं, जैसे नेट चला रहे हो, ठीक है, नेट आप यूज कर रहे हो, कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ रहे हो नेट पे पोस्ट कर देता हूं एंड यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं मुझे कितना इसका डिस्प्ले चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले रख सकते हैं एंड यहाँ पर प्ले करेंगे तो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो वो यहाँ पर की जो भी अच्छा फंक्शन है एंड इसके आप बहुत सी चीज़ें इफेक्ट दे सकते हो, जो भी कुछ एक्स वाइड आपको देनी है ना, तो काफ़ी अच्छा है ये फंक्शन। और आपको अगर लग रहा है रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि बहुत से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब पीपीटी बनाते हैं तो पीपीटी की एक वीडियो भी तैयार करते हैं, तो वहाँ पर पीपीटी प्रेजेंटेशन में वीडियो भी के थ्रू भी प्रोजेक्ट या
अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है। तो वीडियो एक तरह का बार का सोर्स है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो पीपीटी नहीं बननी तो उसका भी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड के बारे में था, अगर आप किसी रिकॉर्डमेंट है तो आप इस तरह कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, 2007 में शायद ये फैसिलिटी नहीं है, 2010 2015 या लेटेस्ट जो भी एमएस ऑफिस है उसके पीपीटी में पावर पॉइंट में आपको ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर 7 में तो है नहीं है और 2010 में आप चेक कर लीजिए, मेरा तो अभी लेटेस्ट है तो मेरे में ये फंक्शन इनेबल है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।